हेलो दोस्तों, एसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे सिलाई मशीन में धागा तोड़ने के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये है छोटी सिलाई मशीन है, इसके अंदर धागा तोड़ रहा है, तो इसको कैसे पहचानना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में प्लेट है, इस तरह से खोल लेना चाहिए, खोल के देखना चाहिए, जिससे इसमें धागा टूट रहा है तो इस तरह से चेक करना चाहिए। ये देखिए होल है, देखिए दोस्तों ये होल के अंदर सुई जाता है, इस तरह से हाथ फिरा के देखना चाहिए। स्मूथ है तो कुछ नहीं, अगर से ये आपको चुभ रहा है, रफ़ हो गया है ये होल, इसके अंदर सुई लगा हुआ है, अंदर साइड में दिखता है, ये देखिए इस तरह से सुई के होल के अंदर लगा हुआ रहता है, इस तरह से रफ़ हो गया है। पीछे साइड में देखना, इस तरह से हाथ फिरा के देखना, अगर से आपको रफ़ दिख रहा है तो ये वाला ये प्लेट के अंदर इस तरह से लगे बाद क्या होता है बोले तो ना, आपके सिलाई मशीन में तागा तोड़ता है और होल बड़ा हो गया है तो टीप छोड़ता है, इस तरह से प्रॉब्लम होता है। अगर से बहुत ज़्यादा तागा टूट रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, अंदर से साफ़ कर लेना चाहिए और ऊपर भी साफ़ करना चाहिए। इसको कैसे करना चाहिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से एक नुकीला सामान लेना चाहिए, जिससे यहाँ पे सामने नोक रहना चाहिए, उसके अंदर डालना चाहिए, ये प्लेट के होल के अंदर डाल के इस तरह से अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। जो अंदर जो भी सुई लगे सो रहता देखिए, उसको अच्छे से अंदर से साफ़ कर लेना चाहिए। अंदर देखे बाद क्या दिखना बोले तो ना, आप साफ़ करे सो दिखना, जो भी आपका जो भी रफ़ है अंदर वो सब नहीं दिखना चाहिए, इस तरफ से भी साफ़ कर लेना चाहिए और सामने से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से साफ़ कर लेना चाहिए। अच्छे से साफ़ करे बाद अब यह साफ़ कर लेना पड़ेगा, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना करके उसके बाद इस तरह से जो फाइल मिलता है, जो फाइल से इसको अच्छे से रगड़ लेना चाहिए, इस तरह ये देखिए, इस तरह से अच्छे से रगड़ लेना चाहिए। ये जो ऊपर है देखिए रफ़ वाला, ये पूरा निकल जाना चाहिए, इस तरह से पकड़ कर अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, इस तरह से। ऐसे वाले फाइल आपको हार्डवेयर में मिल जाएंगे, इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। इसे अच्छे से साफ़ करके देखना चाहिए ऐसा स्मूथ है या नहीं, ये वाला जो ऊपर सुई लगे सो रहता देखिए, वो आपको ऐसा स्मूथ दिखना चाहिए, नहीं लगना चाहिए हाथ को, नहीं लगे तो ये वाला अच्छा हो गया समझिए। ये सब पीछे से भी साफ़ कर लेना चाहिए, सामने और पीछे दोनों तरफ अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। ये देखिए ऐसा चेक कर लेना चाहिए, साफ़ हो गया है नहीं बोल के, इसके होल के अंदर भी अच्छा साफ़ दिखना चाहिए, अगर से रफ़ है तो आपका मशीन में अभी भी तागा टूटेगा, इसलिए अच्छे से अंदर साइड भी साफ़ कर लेना चाहिए और बाहर साइड भी साफ़ करके इसको लगा लेना चाहिए मशीन में, इस तरह मशीन में लगा कर फिर से फिट कर लेना चाहिए, इस तरह से लगा कर फिट कर लेना चाहिए। फिट करके आप आपके सिलाई मशीन में इस तरह से करने पर आपके सिलाई मशीन में धागा तोड़ने का बंद हो जाएगा, और आपके मशीन में धागा टूटने का शटल से, प्लेट से, कुंसे में भी है तो बहुत सारे वीडियो बनाया है मैंने धागा टूटने के ऊपर ही, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, देखकर आपके मशीन में कर सकते हैं रिपेयर। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो में इतना ही, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।